हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सारिका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है, एक बार फिर से दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। और आज मैं बनाने वाली हूँ 3 तरीके का फ्लावर पॉट, जो कि बहुत ईजी है, आपके घर में चीज़ें अवेलेबल होंगी और आप उसे बना सकते हैं। और मैं इस जो भी जितने भी फ्लावर पॉट मैं बनाने वाली हूँ उसका यूज़ मैं करते हुए दिखाऊंगी आपको। बट एक्चुअल में कहाँ पे डेकोरेट करने वाली हूँ वो आपको आप मेरे जो फ्राइडे का वीडियो होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो पहला फ्लावर पॉट आइडिया है मेरा वो है ऑयल बॉटल का, जो कि मैंने उसके ऊपर के पार्ट को कट कर लिया है और उसका मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ फ्लावर पॉट। पहले मैं उसको पेंट करूँगी। बहुत ही सिंपल है, मुझे ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी जितने भी DIY होते हैं उसमें ज़्यादातर मैं ब्राइट कलर ही यूज़ करती हूँ। उसमें से भी ब्लू आप बोल सकते हैं मेरा फेवरेट है। वैसे मेरे सारे कलर्स फेवरेट हैं, बट ब्लू पे ज़्यादा ध्यान जाता है मेरा। तो ब्लू कलर से मैंने इसको पहले पेंट किया है। बहुत ही सिंपल, मैं उस पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं करने वाली हूँ, सिंपल तरीके से उसको बनाने वाली हूँ, क्योंकि सिंपल चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो पहले मैं इसको पेंट करूँगी और फिर आगे का जो भी वीडियो है आप उसको कंटिन्यू देखिए और फिर आपको आइडियाज़ लगेगा कि इसके बाद मैं इसको क्या करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑयल बॉटल मेरे पेंट हो चुके हैं और मैं अब कप को पेंट करने वाली हूँ, जो कि ये टूटे हुए कप हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है अभी। तो मैं इनको भी ब्लू कलर से पेंट करूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी पेंट करने वाली हूँ। सिर्फ मैं इसके हैंडल को पेंट करूँगी और जो बॉटम का एरिया है उसको पेंट करने वाली हूँ, दैट्स इट। और फिर ये दूसरा मेरा फ्लावर पॉट तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, जो मेरा थर्ड और लास्ट DIY है फ्लावर पॉट है वो है वॉल स्टिकर का, जो कि मैं इसको फ्लावर पॉट जैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका यूज़ कर देखने के लिए आपको मेरा फ्राइडे का वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। पहले मैं इसको बराबर टुकड़ों में कई सारे कट करूँगी जितना मुझे चाहिए और फिर इसका बेस मैं स्टिक करूँगी इसके नीचे और फिर इसको मैं यूज़ करूँगी। उसके लिए आपको मेरा फ्राइडे का वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन मैं अपना एंट्रेंस गेट शो करने वाली हूँ आपको।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ पेपर कट किए हुए, क्योंकि मेरे पास जो वाइट सीमेंट था वो बहुत ही थोड़ा सा था, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से फील करने के लिए मैंने इसके अंदर पेपर कटिंग डाला हुआ है, जिससे वो अच्छे से स्पेस ले सके। और कोई रीज़न नहीं है उसको डालने का, सिर्फ स्पेस के लिए, ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए। और वाइट सीमेंट डालने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि वो थोड़ा जो मेरा वाइट सीमेंट था वो मैंने थोड़ा सा पतला बनाया था, तो वो टाइम लेगा थोड़ा उसको सेट होने में। तो 3-4 घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद इसमें हम जब थोड़ा सा हल्का गीला रहेगा, तब जो मैंने फ्लावर के अंदर टूथपेक डाला था उसको स्टिक करूँगी मैं इसके अंदर, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। सी यू ऑन फ्राइडे का वीडियो मेरा देखना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।